तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नैनो फोर लाइफ प्री क्लीनर और ये सिरामिक कोटिंग। SiO2 इज़ द मेन कंपोनेंट। तो आपको वो पता होगा, SiO2 एक से ही मिलकर हमारे जो विंडशील्ड या कोई भी ग्लास बनती है। सो ये हमारे विंडशील्ड पे अगर आप लगाएंगे, सो मैंने आगे वीडियो में बताया है कि हमें इसको कैसे अप्लाई करना है और ये प्री क्लीनर को कैसे यूज़ करना है। सो इसके एप्लीकेशन से मेन जो हमें फ़ायदा होता है वो ये है कि हमारे ग्लास पे कभी भी, जैसे रेनी सीजन में जो रेन ड्रॉप्स स्कैटर हो जाते हैं वो नहीं होगा, वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, जैसे स्पीड के, अगर आप काफ़ी हाई स्पीड में हैं तो वो वाटर, रेन वाटर जो है अपने आप ही स्कैटर होके हटता जाएगा और विजिबिलिटी काफ़ी क्लियर रहेगी। वाइपर्स का कम से कम यूज़ करना होगा। और ये इन कंपनी क्लेम करती है कि 12,000 टाइम्स आप वाइपर चलाएंगे तब तक ये स्टेबल रहेगी इसकी दो कोटिंग। सो डेट्स ऑल, अब हम देखते हैं इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं नैनो फॉर लाइफ। ये इंडियन ब्रांड है, देख सकते हैं नैनो फॉर लाइफ इंडिया। सो ये हमारा है सिरामिक कोटिंग फॉर ग्लास, ये प्री क्लीनर। सो आज हम इसको अप्लाई करेंगे और देखेंगे कैसे करना है। सो ये प्री क्लीनर है, जस्ट सिंपली इसे हम पूरे सरफेस को क्लीन कर लेंगे, पूरे सरफेस को। तो फ्रेंड्स, हमने पूरे सरफेस को क्लीन कर लिया है और अब हम अप्लाई करेंगे जो हमारा सिरामिक कोटिंग केमिकल है उसको। आप देख सकते हैं पूरे केमिकल्स, पूरे सरफेस को हमने क्लीन कर लिया। पहले आप नॉर्मल वॉश कर लें शैम्पू से, ताकि सारे डस्ट पार्टिकल्स ना रहें और कोई स्क्रैचेस ना आए। उसके बाद आप नॉर्मल प्री क्लीनर जो इसके साथ किट में आता है उससे हमने इसको रिंस कर लिया। नेक्स्ट स्टेप हम अब अप्लाई करेंगे। तो हमने केमिकल अप्लाई कर दिया है और पहले हम करेंगे वर्टिकली इसको, उसके आफ्टरवर्ड्स 5 मिनट छोड़ने के बाद हम उसको हॉरिजेंटली केमिकल्स ले ले करके और हॉरिजेंटली और वर्टिकली कर लेंगे। और फिर हम अभी इफ़ेक्ट देखते हैं इसका कैसा रहता है। आफ्टर लीविंग फॉर 5 मिनट्स हम लोग किसी भी माइक्रोफाइबर क्लॉथ से इसको, जब तक ये क्रिस्टल क्लियर नहीं हो जाता। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ मार्क्स हैं, जैसे कि मैंने इसको अप्लाई किया उस हिसाब से। तो अभी इसको मैं क्रिस्टल क्लीन करूँगा 5 मिनट्स के बाद। तो फ्रेंड्स, हम अभी एक ड्रॉप लेंगे, इसी ड्रॉप को हम पूरा, काफ़ी ये फ्लेक्सिबल है, काफ़ी पूरे रेंज में यही ले लेगा। इस तरीके से हम हॉरिजेंटली कर लेंगे पहले। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, इसको 5 मिनट्स के लिए ड्राई होने देंगे। उसके बाद हम ऐसे ही लेकर के 5 मिनट्स के बाद एक ड्रॉप हमें ऐसे लेना है और सेम एज इट इज़ इसको वर्टिकली करना है। अब जहाँ आपको लगे कम आप वापस से ले सकते हैं। तो आप देखेंगे जब हम वर्टिकल और हॉरिजेंटल करेंगे, तो मैं आपको कैमरे की सेटिंग दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं ये सारे मार्क्स हैं, ये इसके वेट, हमें वेट करना होगा 5 मिनट्स के लिए। 5 मिनट्स के बाद हम इस पर वापस से नॉर्मल माइक्रोफाइबर क्लॉथ से पूरे सरफेस पे कर लिया है। अगर मैं पूरे सरफेस को दिखाता तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। सेम हमने हॉरिजेंटली किया, फिर 5 मिनट्स के बाद वर्टिकली किया। और आप देख सकते हैं अभी कुछ मार्क्स हैं मिरर पे। इसको अभी हम नॉर्मल माइक्रोफाइबर क्लॉथ से क्रिस्टल क्लियर, जब तक ये साफ नहीं हो जाता तब तक के हम इसको एक डायरेक्शन में वाइप कर देंगे बस नॉर्मल। आप देख सकते हैं ये पूरा क्लियर है अभी। जैसे आप वाइप करेंगे तो इसमें काफी क्लियरिटी आ जाएगी। देखिए यहाँ पे ये मार्क्स हैं, इनको हम सिंपली जेंटली ऐसे वाइप करेंगे। बहुत ज़्यादा प्रेशर आपको नहीं देना, नहीं तो केमिकल पूरा निकल के आ जाएगा। अपने को बस उसको क्लियरिटी देना है थोड़ा सा।
ओके फ्रेंड्स, सो अब मैं देखता हूँ उसके नेक्स्ट रिव्यू करूँगा, फिर आपको दिखाते हैं। तो हमें इसको अप्लाई करने के बाद 24 आवर्स के लिए आइडियली छोड़ना होगा, वाइपर ना चले और पानी या धूल मिट्टी ना पड़े, इसके लिए एटलीस्ट 24 आवर्स के लिए हम छोड़ेंगे इसको आइडियली। तब तक के लिए थैंक्स दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।